भारत सरकार लगातार जनहित में नई नई योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं के संचालन में तकनीकी का उपयोग बड़े रूप में सामने आया है। इसी क्रम में सोमवार को यूपी के जनपद सीतापुर में एक संस्था के हेड और सहायक पहुंचे और अधिकारियों संग बैठक की। बता दें कि कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क यूएसए तथा रिलायंस फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परियोजना संचालित की है। परियोजना डिलीवरिंग नेक्स्ट जनरेशन ई पब्लिक सर्विस वाया मोबाइल टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश ई एजुकेशन ई हेल्थ एंड ई एग्रीकल्चर पर काम कर रही है। इसी संस्था के परियोजना सहायक निरुपम वाजपेयी एवं परियोजना हेड ने जनपद के स्वास्थ्य शिक्षा एवं कृषि विभाग के प्रमुख अधिकारियों कर्मचारियों तथा हितधारकों के साथ बैठक की। विकास भवन सभागार में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग कृषि विभाग शिक्षा विभाग बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डीएम अनुज सिंह सीडीओ निधि बंसल डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और लोगों को लाभ दिया जाता है। डिलीवरिंग नेक्स्ट जनरेशन ई पब्लिक सर्विसेज वाया मोबाइल टेक्नोलॉजी के परियोजना सहायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सक से वार्ता करते हुए वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अध्ययन टीम द्वारा भ्रमण के दौरान इस विषय पर विशेष रूप से जानकारी ली गई कि संचालित योजनाओं में किस प्रकार तकनीकी का उपयोग करके पात्रों को और अधिक लाभ दिया जा रहा है, इसे किस प्रकार से और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डॉक्टर मुदित दीक्षित, डॉक्टर अमित कपूर, प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह, फार्मासिस्ट जेबी सिंह, स्टाफ नर्स प्रिया गौतम, बेबी वर्मा, एएनएम निधि मिश्रा, लैब टेक्नीशियन रॉबिन कश्यप सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने क्या बताया वह भी सुन लीजिए। ये एक संस्था है, न्यूयॉर्क से आए थे, जो तीन मेंबर थे और ये हमारे हेल्थ और एग्रीकल्चर पर जो है वो कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो सारा जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में और जो भी सारा सब कुछ जो होगा वो ई किससे शुरू होगा, ई वाउचर हो या ई टेंडर हो या ई ओपीडी हो, सब कुछ सब जो ऑनलाइन होगा सब उसी के बारे में सब रिसर्च करेंगे और सब इसी पर सब ये काम करना चाह रहे हैं। हेल्थ में हम क्या ये इम्प्रूव कर सकते हैं उसका उसमें ये अपना सजेशन देंगे। अध्ययन दल ने कृषि बीज भंडार सिधौली का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर जानकारी ली कि किसानों से कैसे समन्वय स्थापित किया जाता है, तकनीक का प्रयोग कर अधिक उपज कैसे प्राप्त की जा सकती है, वर्तमान में संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में तकनीकी के व्यापक उपयोग एवं कृषि सूचना तंत्र पर भी चर्चा की गई। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।